हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है CSF, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड एग्जामिनेशन, या फिर इसका एक और नाम है स्पाइनल फ्लूड एनालिसिस। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं CSF एग्जामिनेशन की। जो CSF फ्लूड है उसको हमें एग्जामिन करना है, वो डिजीज का पता लगाना है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो CSF है ये होता क्या है। तो सुपरफिशियली देख लेते हैं कि अपना जो ब्रेन है, उस ब्रेन की सबसे ऊपरी जो कवरिंग होती है, सबसे ऊपर वाली, उसे हम बोलते हैं स्कल। ब्रेन है वो स्कल से कवर रहता है। स्कल जो कि कितनी बोन से मिलकर बनता है, 8 बोन से मिलकर बनता है और क्रेनियम कैविटी का फॉर्मेशन करता है। इस स्कल से जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन रहती है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, अब ये जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। उससे जस्ट जो नीचे वाली लेयर होती है जिसे मिडिल लेयर बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरकेनोइड। और जो सबसे डीप लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पिया मेटर। ठीक है, तो जो मेनिंजेस की 3 लेयर हो गई, ड्यूरा मैटर, एरकेनोइड और पिया मैटर। तो जो अपने जो CSF है ये क्या होता है, जो एरकेनोइड और जो पिया मैटर है इसके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सब एरकेनोइड स्पेस कहते हैं। तो इस सब एरकेनोइड स्पेस के अंदर जो फ्लूड बना रहता है इसे हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। क्योंकि ये जो सब एरकेनोइड जो ये लेयर है मेनिंजेस की, ये स्पाइनल कोड को क्या करती, कवर करती है। यहाँ पे ब्रेन को कवरिंग करते हुए कहाँ कवर करेगी, स्पाइनल कोड को कवर करती है। तो जो एरकेनोइड और पिया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है, दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं सब एरकेनोइड स्पेस। और उस स्पेस के अंदर जो फ्लूड बना रहता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, या फिर स्पाइनल फ्लूड के नाम से उसे जानते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन देखते हैं। द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इज प्रेजेंट विद इन द सब एरकेनोइड स्पेस, यानी कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है ये कहां प्रेजेंट होता है, सब एरकेनोइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग द ब्रेन इन द स्कल। अब ये जो सब एरकेनोइड जो स्पेस है ये क्या है, सराउंड करके रखता है किसको, ब्रेन को, किसमें, स्कल के जस्ट नीचे जो अपनी मेनिंजेस लेयर होती है उसके अंदर जो सब एरकेनोइड स्पेस है ये क्या करता है, ब्रेन को कवर करके रखता है। और साथ ही साथ किसको कवर करके रखता है, स्पाइनल कोड को, इन स्पाइनल कोलम, जो अपना जो स्पाइनल कोलम है उसके अंदर जो स्पाइनल कोड रहती है उसको भी कवर करके रखता है कौन, सब एरकेनोइड स्पेस। और उसके अंदर भरा रहता है कौन, अपना CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है। तो ये तो बात हो गई CSF की कि CSF होता क्या है। अब हम देखेंगे कि जो CSF अपना उसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी जो नॉर्मल इसकी अपीरियंस कैसा है, नॉर्मल दिखता कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर की, कि जो अपना CSF है इसका कलर कैसा होता है। तो जो CSF है वो कलरलेस है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है, बिल्कुल कलरलेस है, इसमें कोई किसी प्रकार कलर नहीं होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मान सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट अपना pH, इसका जो pH कितना होता है, 7.28 से 7.32, यानी कि ये क्या है, वीक एल्केलाइन है। ठीक है, 7.28 to 7.32 इसके क्या होता है, pH होता है, यानी कि वीक एल्केलाइन इसको हम बोल सकते हैं, यानी एसिडिक नहीं है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपीरियंस कैसा होता है, ये बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, इसकी ग्रेविटी कितनी होती है, 1.003 to 1.004, ये क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। हम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट बात करते हैं इस फ्लूड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो सॉलिड कंटेंट है वो कितना है, 0.85 to 1.70, यानी 0.85 से लेके 1.70 ग्राम पर dl जो है इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस फ्लूड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 44 mmHg, यानी 40 से लेकर 44 mmHg के होता है इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है। तो ये तो हो गए इसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी होगी, डिजीज होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस होगा, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, अल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको डायग्नोस कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले क्या देखा, इसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि अपना जो CSF एग्जामिनेशन है या फिर हम बोल सकते हैं CSF एनालिसिस है, ये हमें कब कब करना है, किन किन डिजीज में, किन किन कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना है, CSF एग्जामिनेशन करना है।
तो सबसे पहला ही आता है बैक्टीरियल, वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस, यानी कि जो अपनी जो मेनिंजेस जो मेम्ब्रेन है, अगर इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या फिर फंगस की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है इस मेनिंजेस मेम्ब्रेन के अंदर, तो अब उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, CSF एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा ताकि हम उस डिजीज को कोच कर पाए। नेक्स्ट है एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन में किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें CSF एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट होता है मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेट्स। अगर मान लो मैलिग्नेंट की वजह से इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर फ्लूड एक्युमुलेट हो रहा है, एक फ्लूड एक्युमुलेट होने की वजह से वहाँ पर फ्लूड की अगर कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, CSF एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है सब एरकनोइड हेमरेज। जो अपनी सब एरकनोइड स्पेस जो है, अगर इसमें किसी प्रकार का हेमरेज है, तो उस कंडीशन में अगर फ्लूड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, CSF एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर विद लोकल IG, यानी इम्यूनोग्लोबिन, जो लोकल इम्यूनोग्लोबिन है उसकी वजह से कोई डिसऑर्डर्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने मिल रहे हैं, ठीक है, इस सब एरकनोइड के अंदर, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, CSF एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। और लास्ट आता है अपना स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉकेज, यानी अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, उस कंडीशन में भी प्रेफर करते हैं हम किसको, CSF एग्जामिनेशन को। तो ये तो हो गए इसके इंडिकेशंस कि कब कब हमें CSF का क्या करना है, एग्जामिनेशन करवाना है। अब बात आती है कि जो CSF का एग्जामिनेशन हम करेंगे वो कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से इसके मैकेनिज्म हो सकती है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, कि जो अपना CSF है उसका पहला है एग्जामिनेशन करने का तरीका क्या है, फिजिकली कर लो। फिजिकली में हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, इसकी जो अमाउंट देख सकते हैं, इसकी ग्रेविटी देख सकते हैं, जो इसका pH देख सकते हैं, कुछ अल्ट्रेशन आ रहे हैं क्या, या फिर इसका प्रेशर जो चेंज हो रहा है, तो ये फिजिकली रूप से हम देख के पता लगा सकते हैं कि कुछ अल्ट्रेशन है या डिजीज है या नहीं है। तो पहला तरीका तो हो गया अपना फिजिकल एग्जामिनेशन से। दूसरा है केमिकल एग्जामिनेशन। अब इस फ्लूड के अंदर जितने भी कंटेंट है, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जितने भी इसके अंदर कंटेंट है या केमिकल्स है, उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोई नॉर्मल वैल्यू से अगर मान लो इंक्रीज या डिक्रीज है, तो उसमें चांसेस होने के, डिजीज होने के चांसेस है। तो दूसरा तरीका हो गया केमिकल एग्जामिनेशन से। थर्ड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। CSF के अंदर जो सेल्स हैं, अगर उनकी नंबर ऑफ इंक्रीज, अगर उनके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उस कंडीशन से भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो तीसरा तरीका हो गया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, या फिर CSF इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि CSF में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसे हम क्या करेंगे, स्टेनिंग के द्वारा या किसी प्रोसीजर के द्वारा उस डिजीज को पकड़ेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे। तो ये चार तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, CSF का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, केमिकली भी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक या फिर स्पेशल कोई इन्फेक्शन डिजीज का पता लगा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का फ्लूड है उसको एग्जाम करने के ये तीन, ये चार तरीके हैं, जिसमें फिजिकली रूप से कर सकते हो, केमिकल, माइक्रोस्कोप, कोई सा भी हो, CSF ही नहीं, कोई सा भी प्रकार का अगर फ्लूड है, तो उसको इन्हीं चारों मेथड से हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो अब आइए देखते हैं एक एक को डिटेल में, देखते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते कैसे हैं। तो अब हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि फिजिकली मेथड के द्वारा हम कैसे इसको एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कलर ऑफ फ्लूड, यानी जो अपना CSF है उसके कलर में चेंजेज आ जाएंगे। तो कौन सा कलर किसकी वजह से होगा, वो हम इसमें एग्जामिनेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मल जो है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। जो अपना CSF है नॉर्मल कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर CSF को एग्जामिन हमने किया और उसमें ऑरेंज कलर या फिर पिंक कलर का अगर CSF हो रहा है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, RBC प्रेजेंट है। ऑरेंज और पिंक कलर का CSF इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, RBC प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर CSF का कलर कैसा है, ग्रीन है, तो उसके अंदर बिलीरुबिन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिलीरुबिन उसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो CSF है वो कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर येलो कलर का CSF आ रहा है, तो सीवियर जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो हमें एग्जामिन करें, जैसे बिलीरुबिन बढ़ रहा है, तो लीवर से रिलेटेड क्या होगी, इसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये एग्जामिन करने के मेथड्स हैं। तो ग्रीन कलर का है तो बिलीरुबिन ज़्यादा है, अगर येलो कलर का है तो उसको सीवियर जॉन्डिस है पेशेंट को, ठीक है। अगर रेड या फिर ऑरेंज, या फिर रेड ऑरेंज मिक्सअप का अगर कोई कलर है CSF का,
तो ये नॉर्मल है, ये रिफाम्पिसिन टेबलेट की वजह से, यानी पेशेंट को हम रिफाम्पिसिन टेबलेट दे रहे हैं उसकी वजह से जो है उसका जो CSF का कलर है वो रेड या ऑरेंज है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें किसी प्रकार की उसको डिजीज नहीं है। तो इस प्रकार से हम कलर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। यही अगर हम बात करें प्रेशर के द्वारा, ठीक है, तो जब हम प्रेशर को डिनोट करते हैं तो उसके अंदर 8 to 15 mmHg अपना जो CSF है उसका प्रेशर कितना होता है, 8 to 15 mmHg नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर है, CSF का प्रेशर इससे ज़्यादा है, तो उसको ट्यूमर हो सकता है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर इससे कम है, 8 से कम अगर प्रेशर आ रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, शॉक की कंडीशन हो सकती है, फिर या फिर लीकेज की समस्या है, जो CSF सब एक्रोमेंट स्पेस के अंदर है तो उसमें से वो लीकेज हो रहा है, इसकी वजह से जो उसका प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये हम उसको असेस कर सकते हैं। यही अगर बात करें हम अपीयरेंस की, तो जो नॉर्मल जो है वो कैसा होता है अपना, क्लियर। अभी हमने पढ़ा था कि जो CSF है नॉर्मली कैसे होता है, क्लियर होता है, लेकिन अगर वो कैसे दिखाई दे रहा है, टर्बिड दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, गंदा सा दिखाई दे रहा है CSF, तो उसके अंदर WBC ज़्यादा है, RBC ज़्यादा है, और उसके अंदर माइक्रोब्स है बाहर से, जो एंटीजन हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइक्रोब्स ज़्यादा है, और उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो कैसा दिखाई दे रहा है, टर्बिड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करें, अगर उसका एपीरियंस स्मोकी है, यानी कि धुएं टाइप का अगर वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, धुएं जैसे कलर का दिखाई दे रहा है, वाइटिश दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर जो सेल्स हैं, जैसे WBC हो गई, RBC हो गई, इनकी जो नंबर है बिल्कुल कम हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम एपीरियंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। यही अगर बात करें कि जो अपने जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर क्लॉट बन रहा है या वो कोगुलेट हो रहा है, तो उसके अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। नॉर्मली उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं CSF के अंदर, लेकिन क्लॉट बन रहे हैं तो समझ जाएं उसके अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है फिजिकली मेथड के द्वारा फिजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है अपना केमिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर हम केमिकल्स को देखेंगे, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको मेजरमेंट करेंगे, जो कि लेबोरेटरीज वैल्यूज के थ्रू हम ये करते हैं। तो केमिकल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला आ रहा है CSF प्रोटीन, यानी जो CSF के अंदर जो प्रोटीन है उसकी बात कर रहे हैं। अगर CSF के अंदर जो प्रोटीन का लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, प्रोटीन का लेवल अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, उसको मेनिनजाइटिस हो सकती है। मेनिनजाइटिस मतलब अपने जो मेनिनजल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर CSF के अंदर जो प्रोटीन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। या फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में भी CSF प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए, स्क्लेरोसिस क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो नर्व की जो प्रोटेक्टिंग जो मेम्ब्रेन होती है, नर्व को जो कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करते रखती है, उसके अंदर डैमेज आ जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो प्रोटीन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोटीन अगर ज़्यादा है CSF के अंदर तो समझ जाइए कुछ डिजीज उसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CSF ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है CSF लैक्टिक एसिड, CSF के अंदर जो लैक्टिक एसिड है उसकी नॉर्मल वैल्यू से अगर वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है, तो उसको बैक्टीरियल और फंगल दोनों प्रकार के किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है CSF लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है तो पेशेंट को ल्यूकीमिया, यानी कि WBC जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी, उसकी WBC जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्या है अपना स्ट्रोक की कंडीशन उसे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है CSF IG, अगर जो CSF की IG जो एंटीबॉडीज है, जो इम्यूनोग्लोबुलिंस है, अगर वो इंक्रीज हो रखी है, बढ़ी हुई दिख रही है, तो स्क्लेरोसिस डिजीज हो सकती है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन, अगर CSF के अंदर क्लोरीन की मात्रा बिल्कुल कम है, क्लोरीन का जो लेवल है वो बहुत कम है, तो उसको बैक्टीरियल या फिर ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस होने की पूरे पूरे चांसेज हो सकते हैं। तो ये दूसरा था अपना केमिकल एग्जामिनेशन।
तो अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम किसको एग्जामिन करेंगे, सेल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सीएसएफ हैज नो और फ्यू वेरी सेल्स, जो नॉर्मल जो सीएसएफ होता है उसके अंदर बिल्कुल न के बराबर यानी बहुत कम क्या पाई जाती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। इफ सीएसएफ इज वेरी क्लाउडी, अगर सीएसएफ कैसा है, क्लाउडी है या फिर अभी हमने देखा था टर्बिड है, ठीक है। अगर सीएसएफ क्लाउडी दिख रहा है, टर्बिड दिख रहा है या फिर उस ब्लडी दिख रहा है, यानी ब्लड के जैसे दिख रहा है, ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर, इसका मतलब है उसके अंदर बहुत सारी क्या आ गई है, सेल्स आ गए, मेनी सेल्स उसके अंदर क्या है प्रेजेंट हो रही है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं तो अगर ये ऐसे अपीयरेंस दिख रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी क्या आ गई है, सेल्स आ गई है, जो कि किसी ना किसी इन्फ्लामेशन का क्या है रिएक्शन है, यानी कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है। नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो है सीएसएफ इन्फेक्शियस डिजीज, अगर सीएसएफ किसी भी इन्फेक्शन डिजीज की वजह से हुआ है या इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसका कोज का पता करने के लिए हमें और भी कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए सीएसएफ ग्राम स्टेनिंग। अगर बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हुआ है तो उस बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग के थ्रू क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे और उस बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सीएसएफ कल्चर भी हमें कराना पड़ सकता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा के हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोस करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है अपना पीसीआर टेस्ट, अगर वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है अपने, ठीक है, अगर सीएसएफ में वायरस प्रेजेंट है तो हमें कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करवाना पड़ेगा इसको डायग्नोस करने के लिए। तो ये था अपना सीएसएफ एग्जामिनेशन या सीएसएफ एनालिसिस, जिसके अंदर हमने इसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स और एबनॉर्मल चीज़ें पढ़ी और उनके थ्रू होने वाले कौन कौन सी जो डिजीज है वो हो सकती है उनके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।